हेलो, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि अप्पम कैसे बनाए। ये साउथ इंडियन नाश्ता है, तो चलिए देखते हैं। ये चावल है, जो लकड़ा चावल होते हैं ना, ये वो चावल है। 2 कटोरी ले लीजिए, 4 कटोरी ले लीजिए, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और उसमें 1 स्पून उड़द की दाल डाल दीजिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा फर्मेंटेशन अच्छा होगा। तो मैंने 1 स्पून उड़द की दाल ली है और 2 कप राइस लिए हैं। ये देखिए, इनको अच्छे से धो लेंगे हम। और ये चावल वही चावल है जिसको लकड़ा चावल बोलते हैं और पीसने के काम आता है, इसी से ही ये बनता है। अगर हम चाहें हम दूसरे चावल से बना सकते हैं, तो उस चावल से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इससे फर्मेंटेशन अच्छा होता है। तो इसको अच्छे से धो लीजिए। ये देखिए, मैंने अच्छे से धो लिया है। 2 पानी से अच्छे से रगड़ के धो लीजिए और इसको 2 ग्लास पानी में भिगोने के लिए रख दीजिए। ये अच्छे से धो लिए हैं मैंने रगड़ के। ये देखिए, उड़द की दाल में पाउडर होता है, तो अच्छे से रगड़ के धोना पड़ता है। ये देखिए, धुल गए हैं हमारे चावल अच्छे से। माने 2 पानी से धो लीजिए, 2 में साफ़ हो जाते हैं, नहीं तो 3रे पानी में। ये मैंने धो लिया है, ये देखिए। और 2 ग्लास भर के पानी डाल दीजिए और इसको 6-7 घंटे के लिए सोख होने दीजिए। 2 ग्लास, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमें, इतने में वो सोख हो जाएंगे। और ढक के रख दीजिए गर्म जगह में 6-7 घंटे के लिए। तो ये अपने आप हो जाएंगे। हमारे चावल तैयार हो गए हैं, ये देखिए, अच्छे से भीग गए हैं। अब हमको मिक्सी में पीस लेते हैं। और इसको जो छोटा चटनी का जार होता है ना, उसमें पीस लीजिए इसको। तो ये तुरंत पीस जाता है। इस चावल की क्वालिटी ऐसी होती है कि ये तुरंत है ना पीस जाता है ग्राइंडर में, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और आराम से पीस जाता है। अगर जिनके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में भी अच्छे से पीसता है। ये थोड़ा है इसलिए मैं मिक्सर में पीस रही हूँ। ये मिक्सर में देखिए ये पीस गया है। ये देखिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है राइस। ये देखिए, अब दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। दोनों बैच हो गए हैं। अब 1 कटोरे में हम 1/2 कप यही वाला चावल का मटेरियल है वो लेंगे और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको गर्म करेंगे, जो चावल हमने पीसा है ना उसका। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फर्मेंटेशन अच्छा नहीं होगा। ये देखिए, चलाते जाइए चलाते जाइए इसको। इसको संती से पकड़ के इसको चलाते जाइए। 2 मिनट के बाद ये ठीक हो जाएगा। चलाते जाइए रगड़ के, इसको चलाते जाइए। रुकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और लग जाएगा, और हमें वो नहीं चाहिए। बस चलाते जाइए, कुछ नहीं करना है, ये अपने आप रेडी हो जाएगा। ये देखिए, 2 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद में जो हमारा मिक्सर है जिसमें हमने ग्राइंड किया था, उसमें इसको डाल लीजिए। इसके हाथ से टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि ये गांठ बन जाती है ना ठंडा होने के बाद। चावल ही तो है, इसको मैश कर लीजिए। ये देखिए, और अभी हम लेंगे ये पूरा, इसका मटेरियल इसमें आ गया, और थोड़ा सा पानी लेके इसको ग्राइंड करेंगे। अब ये देखिए, ये है ना मेरे पास इडली डोसे का जो मावा होता है ना, इडली डोसे का मटेरियल जो मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसमें 1 स्पून डाल दीजिए। जैसे हम जामुन लगाते हैं ना, ऐसे इडली डोसे का है तो इडली डोसे का डाल दीजिए, ईस्ट है तो ईस्ट डाल दीजिए 1/2 स्पून पानी में घोल के। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो फाइन पेस्ट बनाना है अच्छे से। ये देखिए, ये शाइनिंग आ जाती है एकदम से इसमें, और एकदम से वाइट। ये देखिए, इसमें डिल्ले हैं थोड़े से, इसको भी ग्राइंड कर लीजिए, क्योंकि डिल्ले नहीं होने चाहिए। एक बार और चला लीजिए और ये हमारा मटेरियल बन के रेडी है। कुक्ड राइस इसको बोलते हैं। अगर आपके पास चावल नहीं है बने हुए रात के, तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मैंने तो मतलब ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है ओल्ड वाले चावल से। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा प्रोसेस अच्छा है। और इसको इसमें डाल दीजिए,
ये देखिए, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी अप्पम हमारे अच्छे बनेंगे और लाइट और एकदम से जालीदार बनेंगे। ये देखिए, और इतना पतला रखना है, हाथ से घुमा के देखिए तो ये रनिंग कंसिस्टेंसी हो रही है। ये देखिए, रनिंग हो रहा है एकदम से कंसिस्टेंसी इसकी। ये देखिए, मुझे छोटे छोटे है ना, हाथ से मैश कर लीजिए और इसको अच्छे से फेंट लीजिए। ये देखिए, दो तीन बबल आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारा फर्मेंटेशन होना चालू हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, और इसको है ना ऐसे फेंट लीजिए, हाथ से कुछ डालना नहीं है, अच्छे से फेंट के इसको गर्म प्लेस में रख लीजिए, जैसे कुकर होता है ना बड़ा वाला, उसके अंदर डाल के ढक्कन लगा दीजिए, तो ये जल्दी आ जाएगा, माने कि जल्दी इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा, 6-7 घंटे में ऐसा हो जाता है। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, वैसे तो अप्पम पात्र होता है, अप्पम चट्टी इसको बोलते हैं साउथ में, लेकिन हमारे पास तो नहीं है, मेरे पास तो है, खैर सादा कढ़ाई है, सबके घर में होती है, और तवा, ये तवे में भी बन जाता है, लोहे के तवे में, और ये लोहे की कढ़ाई है। ये देखिए, जिसमें हम कुकिंग वगैरह करते हैं ना, इसको साइड में रख दीजिए। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, हम इसकी करी बनाते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम और इसमें गार्लिक डालेंगे, क्योंकि इसकी सब्जी भी तैयार कर रहे हैं हम। अप्पम का मटेरियल हमारा रेडी हो गया है, पूरा वो प्रोसेस, अब हम इसकी सब्जी बना लेते हैं। तो ये एग करी है, और इसके लिए ये प्याज है, प्याज को ऐसे स्लाइस में काट लीजिए, ये सब्जी स्लाइस में काटने से बहुत टेस्टी बनती है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये देखिए, हमने ना लहसुन डाल दिया और ये प्याज भी डाल दिया, दो प्याज हैं बड़े बड़े, और दो ही हम टमाटर लेंगे, वो टमाटर भी ऐसे ही काट लीजिए लंबे लंबे स्लाइस में, और इसको 1 मिनट सोटे करना है, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा सोटे नहीं करना है, और कड़ी पत्ता डाल दीजिए, क्योंकि हम साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो हमें कड़ी पत्ता चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो धनिया से भी आप काम चला सकते हैं, अगर है ना इसमें मेथी है, दो डंडी मेथी की काट के डाल दीजिए, हरी वाली मेथी पत्ती होती है ना, वो डाल दीजिए। ये देखिए, ये गर्म हो गया है अच्छे से, अब हम टमाटर डाल देते हैं, और इसी के ऊपर हम टमाटर के ऊपर ही हम नमक डालेंगे, ताकि हमारे टमाटर भी गल जाएं, और दोनों आधे आधे कर दीजिए, इसको फ्राई किसी को भी नहीं करना है, तभी ये टेस्टी बनती है सब्जी, अच्छी बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसमें आज मैंने नमक डाल दिया है स्वादानुसार, और 1 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर डाला है, हमें हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना धनिया डालने की ज़रूरत है, धनिया पत्ती है तो हम गार्निश कर सकते हैं, और 1/2 कटोरी पानी डाल दीजिए। ये देखिए, हमने मसाला चलाया नहीं है, और इसको ढक के रख दीजिए, ये ढक के रखने से इसका फ्लेवर इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा, और ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, आप एक बार वैसे भी बना कर दीजिए, देखिए तो ये बहुत अच्छी बनती है, और हमने पहले से ही अपने अंडे उबाल के रखे हैं, और ये हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। ये देखिए, और इसमें हम लास्ट में काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, पिसी हुई काली मिर्ची, और ये हमारी वेजिटेबल सब्जी बनके रेडी है। सब्जी हमारी रेडी हो गई है, अब हम अप्पम को देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा मटेरियल है ना, एकदम से फर्मेंट हो गया है और बहुत अच्छा हो गया है। आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए, कितना फर्मेंटेशन इसका अच्छा आया है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा तभी लाइट वेट अप्पम बनेंगे हमारे। ये देखिए, इसमें है ना हो गया, देखिए कितने बबल आए हैं, इसीलिए आए हैं, जो हमने प्रोसेस किया है इसके लिए आए हैं, अगर हम वो प्रोसेस नहीं करेंगे तो ये रिज़ल्ट नहीं दिखेगा फिर, है ना, ऐसा होना चाहिए तभी हमारे अप्पम अच्छे बनेंगे। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, बस थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नमकीन नहीं करना है, और ये हम तेल लेंगे, 1 कटोरी कढ़ाई हमारी हमने ऑयल लगा के रख दी है, और एक है ना ये मलमल का टुकड़ा का कपड़ा लेंगे, टिश्यू से काम नहीं चलेगा, हमें कपड़ा ही चाहिए, ये ऑयल है 1 ही स्पून ऑयल चाहिए, और इसको पोंछ लीजिए गीला करके, ये मैंने ये मलमल का कपड़ा है उसको गीला कर लिया है पानी से,
निचोड़ के फिर मैं ये लगा रही हूँ। ग्रीस करना है कढ़ाई को अच्छे से और हमारा फ्लेम तेज रहेगा। और इसमें हम मेकिंग करते समय डालेंगे पिंच ऑफ सोडा, खाने का मीठा सोडा होता है ना वो, ये देखिए। और मिला लीजिए हल्के हाथों से और ये हमारा मटेरियल बनके रेडी है। और इसके अप्पम है ना, रोकना नहीं है, अगर हम बना रहे हैं एक बार में तो इसको बनाकर रख लीजिए। ये देखिए हमारा मटेरियल रेडी है और हमारी कढ़ाई भी रेडी है। अब इसमें हम एक ही स्पून डालेंगे, एक ही चमचा डालेंगे, जो भी आपके पास चमचा है एक ही चमचा भर के नाप से, ताकि एक से और उसका क्वांटिटी और वेट उसका एक जैसा रहे। ये देखिए और कढ़ाई में लेके ऐसे घुमा लीजिए, ये आसानी से घूम जाता है। ये देखिए ऐसी जाली आ गई है। अब इसको ढक के रख दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए कोई भी बड़ा, और फ्लेम हमारा तेज रहेगा अभी, ताकि स्टीम अच्छे से बन जाए इसके। ये देखिए इसको ढक के रख दीजिए 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट नहीं 1 मिनट ही लगेगा, और ये आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कढ़ाई छोड़ देते हैं ये अपने आप, इसका मतलब है कि हमारे अप्पम रेडी हैं। और इसको एक ही साइड सीखते हैं, दूसरी साइड हम स्टीम में पकाते हैं। ये देखिए कितना जालीदार बना है हमारा अप्पम। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं दूसरा। हम वही मलमल का कपड़ा लेंगे और इसकी ग्रीसिंग करेंगे। ये देखिए बस ग्रीस करना है हमें, लगाना नहीं है। और फिर हम एक चमचा और डालेंगे मटेरियल इसमें, अप्पम मटेरियल। ये देखिए और इसको घुमा दीजिए। ये प्रोसेस क्विक करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से फैल जाए। ये देखिए और इसको ढक के रख दीजिए। आपके पास बड़ा ढक्कन है तो बड़ा, नहीं तो है ना ऐसे ढक्कन है ना रोटी के डब्बे होते हैं ना, उससे ये ऐसे ढक के रख दीजिए। ये देखिए कितना जालीदार बना है हमारा अप्पम। अब हम दूसरा देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा कितना अच्छा बना है। ये देखिए स्टीम भर के निकलती है उसमें ये सिक जाता है। ये देखिए कितना जालीदार बना है, ऐसी जाली आनी चाहिए, यही निशानी है कि हमारे अप्पम अच्छे बने हैं और बहुत ही लाइट वेट बने हैं। और ढक के रख दीजिए ऐसे डब्बे में। अब हम है ना अपनी वेजिटेबल करी है, एग करी, उसको अरेंज कर लेते हैं। इसको ऐसे अरेंज करना है, आप गर्म करना चाहें तो गर्म कर लीजिए, नहीं तो बॉयल अंडे के ऊपर हम ऐसे अरेंज करके इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा सब्जी है ना बनके, प्याज टमाटर की रेडी है। और एग रख लीजिए और उसके ऊपर डाल लीजिए आपको जो भी मसाला पसंद है, गरम मसाला, ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन हमने काली मिर्ची ऑलरेडी डाल दी है तो ये पूरा रेडी है, इसमें ज़रूरत नहीं है। और ये आपको लगेगा कि ये खड़ी प्याज है, लेकिन इस अप्पम से ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारी ये ना एग करी बन के रेडी है और हमारे अप्पम भी रेडी हैं। वो मैंने ढक्कन लगा के रख दिया है डब्बे में। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने जालीदार बने हैं। ये देखिए, ये देखिए आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए, ये देखिए। और है ना हम एक ही चमचे से नाप के डाल रहे हैं ना, तो इसका वेट लगभग एक जैसे ही रहेगा। थोड़ा सा अगर आपको बड़े बनाना है तो थोड़ा सा और डाल दीजिए। ये देखिए कितने पतले बने हैं और ये ब्रेड जैसा लगता है, ब्रेड से भी बहुत अच्छा लगता है, ये डोसे से भी बहुत अच्छा लगता है। डोसा और ब्रेड के बीच का है ये, इसका टेस्ट, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है बनाने में। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं और ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये देखिए लेकिन ये प्रोसेस जो मैंने बताए हैं वो करना बहुत ज़रूरी है, तभी बनेगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए इतने सॉफ्ट बने हैं और बहुत हेल्दी नाश्ता है ये। ये देखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू।